गीता का एक नैसर्गिक दर्शन है। शिव की वो पंक्ति आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण विश्व का और मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना हमारे आराध्य गुरु शिव ने इसी पंक्ति से अपने जीवन दर्शन की शुरुआत की थी। और यह जो देश है ना, ये आध्यात्मिकता पर है, ये कंप्लीट किसी धर्म या किसी मजहब पर आधारित देश नहीं है। ये मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। संत की यदि बात करूंगा तो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, हम संत उसको कहेंगे। मैं सभापति महोदय शुरू करूंगा जाति जनगणना से। हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने जाति जनगणना की का निर्णय लिया, और बिहार में जब जाति जनगणना की शुरुआत हुई, ललन बाबू नहीं है अभी, नहीं तो मैं उनको सुनाता, तो उनमें जो सर्वे आया 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है, और जो व्हीकल है वो ईएमआई पर है, जो भी व्हीकल है। लगभग 86.2% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे में है, धूर में है। 9.2% लोग हैं जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है। लगभग 78.7% लोग हैं जिनके पास फूस का घर है, टीन का घर है, भीत का घर है, उसके पास पक्का मकान नहीं है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना खेत है। मजदूरी 280 रुपया, और वह भी 20 दिन से ज्यादा नहीं। कोरोना के समय मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाए हुए जो मजदूरी एक्ट था उसको खत्म करके मजदूर के ताकत को कमजोर किया गया। 400 रुपया प्रत्येक दिन, बहस पहले भी हो चुकी थी कि मनरेगा छोड़ दीजिए, मनरेगा का तो बजट घटा दी गई। मेरा सवाल सीधा था कि प्रधानमंत्री जी आपके यशस्वी हैं, वर्ल्ड इनको फॉलो करते हैं, तो फिर कांग्रेस चालीसा और नेहरू, इंदिरा और राहुल चालीसा बंद करिए ना, और अपने प्रति ईमानदार बनिए ना। मेरा आप तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा, उनको बीजेपी वाले को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा। इन लोगों ने गठबंधन की राजनीति की, और जब गठबंधन के राजनीति पर भी भरोसा नहीं रहा तो प्रधानमंत्री जी ने जेवर, भैंस, बैल से लेकर मुजरा तक की बात पूरे चुनाव में एक बार भी हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के गरीबों की, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गरीब देश, पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में लगभग 87% लोगों का जो आय अफवे है वो है पर कैपिटा 6,000, और लगभग जो महंगाई का कारण है उसमें दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि उनके थाली में 160 रुपया वाला दाल नहीं है, 120 रुपया वाली सब्जी नहीं है। प्रधानमंत्री जी यदि इतने सशक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अरवा चावल आज भी टैक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है। मैं सर मैं जब बोलने अब ये 7-8 मिनट 6 बार के मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उस पर कहना चाहूंगा, मेरा रिक्वेस्ट है जाति जनगणना पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है,
यदि आप ओबीसी से नफरत मत करिए, दलितों से आप दूर मत होइए। मैं मेरा रिक्वेस्ट है, बिहार का विशेष राज्य, किसी भी परिस्थिति में जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, अब मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध को, हाई डैम के लिए, वहां के मक्का और मखान पर आधारित किसान के लिए, उस इलाके से बाढ़ की मुक्ति के लिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ, हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर, रसोईया सर, पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर, मेरा कंक्लूड कीजिएगा सर, कंक्लूड 3 मिनट दीजिए ना सर, तब फिर बोल के क्या फायदा होगा सर। मेरा रिक्वेस्ट क्या है, मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली, कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूँ सर, एक भी जगह दलित और आदिवासी के में ओटीएफ नहीं है, आप चल के जांच कर लीजिए। जल नल योजना लगभग बर्बाद हो चुका है सर, स्मार्ट सर, मैं कंक्लूड बोल तो रहा हूँ, स्मार्ट मीटर बिजली सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए, स्मार्ट मीटर बिजली सर, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ एंड वन नेशन वन प्रेमचंद्र सर, मैं सर हमारी बात तो हो जाए सर, सहारा इंडिया के जो वर्कर, सहारा इंडिया के जो ग्राहक सर, उसका